नमस्कार दोस्तों, वाई एस मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम मैथमेटिक प्रोग्रेशन के ऐसे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि बोर्ड क्लासेस में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इससे पहले जितने भी चैप्टर्स हमने किए सारे लिंक्स मैं इसके डिस्क्रिप्शन में आपको शेयर कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो यहाँ पर बात करते हैं हम, एपी आपको गिवन है 3, 7, 11, 15। तो अगर आप ए की वेट करेंगे यहाँ पर तो ए आपका 3 हो जाएगा, और अगर डी की बात करते हैं तो 7 - 3 यानी कि 4 हो जाएगा। अब आपसे पूछा गया A20 - A15 की वैल्यू पूछा गया था। A20 क्या हो जाएगा आपका A+19D - 15 टर्म क्या हो जाएगा A+14D। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो A+19D - A और ए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 14D। तो देखिए, A से आपका A कैंसिल हो जाएगा, 19D - 14D तो 5D आपका आ जाएगा, और D की वैल्यू क्या है आपका, D का वैल्यू है 4, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि 7 times of 7 terms इज इक्वल टू आपको गिवन है 11 times of 11 terms। अब आपको 18th टर्म आपको निकालना है। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, इनका रिलेशन देखिए, रिलेशन कैसे बनेगा। यहाँ पे ए और डी में रिलेशन आपका आता है 7 times of 7 terms, यानी कि 7 times of 7 terms क्या होता है आपका A+6D होता है, और इक्वल में क्या हो जाएगा आपका 11 times of 11 terms, और 11 terms क्या होता है A+10D। अब यहां से रिलेशन निकाल लीजिए, 7 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7A+7, 6 42D, और इक्वल में क्या आ जाएगा 11A और 11 10 110D। अब A की टर्म्स एक साइड कर लीजिए और D की टर्म्स को एक साइड कर लीजिए। अब 7A इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और इधर आपका 42D है, उसमें से माइनस कर दीजिए 110D, तो इधर आपका 4A रह जाएगा, और इधर क्या बन जाएगा आपका 68D आ जाएगा माइनस कर। तो A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा तो 17 यानी कि 17D आ जाएगा। अब आपको कौन सा टर्म निकालना है, 18 टर्म्स निकालना है। तो 18 टर्म क्या हो जाएगा आपका A+17D, और यहां पर D का वैल्यू कितना है, A के प्लेस पर आप क्या रखेंगे यहां पर 17D माइनस का आ जाएगा +17D। तो आप इसको देखिए, कैंसिल हो जाएगा आपका 17D से 17D, यानी कि A18। अगले क्वेश्चन में कहा गया कि 8 times of 8 term इक्वल टू आपको गिवन है 12 times of 12 term, तो आपको फाइंड करना है 20th term कौन सा होगा। तो यहां भी आपको यही रिलेशन लगाना है, तो 8 times of 8 terms, और 8 terms क्या होता है आपका A+7D, और इक्वल में क्या हो जाएगा आपका 12 times of 12 term, और 12 term क्या होता है A+11D। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 8A+8, 7 = 56D, और इक्वल में क्या हो जाएगा आपका 12A, और 12 की 11 से मल्टीप्लाई कर दिया 32D। अब A की टर्म्स एक साइड कर लीजिए तो 12A - 8A हो जाएगा, और इक्वल में क्या आ जाएगा था 56D - 132D। अब इसमें से माइनस करिए तो माइनस का 76D आएगा, और इधर क्या हो जाएगा आपका 4A हो जाएगा। तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 4 से डिवाइड कर दीजिए तो माइनस का 19D ये आपका क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर A की। अब आपको कौन सा टर्म निकालना है, 20th term निकालना है। तो A20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका A+19D। अब A की वैल्यू पुट कर दीजिए, A की वैल्यू क्या आई आपकी -19D और +19D, तो ये आपके कैंसिल हो जाएंगे, दैट मींस इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि हमारे वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।